आज मैं जो सिद्ध करने जा रहा हूं, सबसे पहले देखिएगा, पहला जो सिद्ध करने जा रहा हूं, पहला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक बटे दो डी वन गुना डी टू। ये कैसे होता है ये सिद्ध करूंगा सर्वप्रथम। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें, दोस्तों को बीच बताएं। मैं कुछ दिनों से लाइव कुछ कम आ रहा हूं, कुछ तबीयत खराब हो जाने के कारण से आ रहा था, तो अब मैं निरंतर आप लोगों के बीच प्रयास करूंगा आने का। तो सबसे पहले मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक बटे दो डी वन गुना डी टू कैसे होता है, ये देखें। और शुरू से अंत तक जुड़े रहे, आज मैं बहुत अच्छा अच्छा फॉर्मूला सारा चतुर्भुज से रिलेटेड सिद्ध करने जा रहा हूँ, तो जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज ले लिया, देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या किए, एक समचतुर्भुज ले लिए, ठीक, एक समचतुर्भुज ले लिए, ठीक ना। ये समचतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, ठीक है ना। अब एक विकर्ण हम एसी ले लिए, ठीक ना, यानी विकर्ण किसको कहते हैं, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे विकर्ण कहते हैं। एक विकर्ण एसी हो गया और एक विकर्ण आपका क्या होगा, बीटी हो गया, ठीक ना, ये हो गया आपका विकर्ण, ठीक ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें कि एसी तथा बी डी एसी तथा बी डी विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है। एसी बराबर डी वन मान लीजिए तथा बी डी बराबर डी टू मान लीजिए, बी डी बराबर क्या मान लीजिए, डी टू मान लीजिए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं, क्या होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं, लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, लंब समद्विभाजित का मतलब हुआ यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये जो है विकर्ण आधा भाग इधर और आधा भाग इधर होता है, आधा भाग इधर होता है, आधा भाग इधर होता है। तो इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसलिए समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हम ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल और प्लस जो होगा त्रिभुज सी डी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी बी डी भी कर सकते हैं, सी बी डी का क्षेत्रफल कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, क्या है, हाँ ये टेंथ और नाइन्थ से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसी को ले लेते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो ए बी डी एक बटे दो, देखिए ए बी डी में एक बटे दो आधार पर क्या है, ए बी डी आधार पर क्या है, बी डी, अब गुना ए डी बी में चल रहे हैं
त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो आप एक बटे दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो आधार में ऊंचाई होता है, ये हम जानते हैं। तो ये देखिए त्रिभुज ए बी डी में एक बटे दो आधार इसमें क्या आ रहा है, बी डी, और ऊंचाई आपका क्या हो रहा है, इसको मान लीजिए ओ है, क्या है ओ, यानी इसको ओ ए कर लीजिए प्लस। फिर देखिए त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल, यानी सी बी डी का क्षेत्रफल, इसमें भी देखिए आधार क्या आ रहा है, बी डी, एक बटे दो गुने बी डी, क्योंकि ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है एक बटे दो गुना बी गुना एच होता है, आधार में सिस्टम होता है। तो त्रिभुज ए बी डी में एक बटे दो आधार पर क्या है, बी डी है, और ऊंचाई पर क्या है, ओए, क्योंकि ये लंब होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण है परस्पर एक दूसरे लंब होते हैं, ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब शब्द विभाजित होते हैं, इन दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो अब देखिए इसका हो गया एक बटे दो गुना बी डी गुना ओए हो गया। अब इसका जो होगा, यानी ध्यान दीजिएगा, एक बटे दो यानी एक बटे दो आधार इसमें भी क्या है, बी डी, और ऊंचाई पर क्या है, ओसी, ऊंचाई पर क्या है, ओसी। अब देखिए एक बटे दो, अब देखिए एक बटे दो, अब यहाँ से बी डी और बी डी कॉमन आ रहा है, एक बटे दो और एक बटे दो कॉमन आ रहा है, एक बटे दो बी डी कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, ओ ए प्लस क्या बच गया, ओसी, ओ ए प्लस ओसी बच गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ से एक बटे दो एक बटे दो कॉमन आ गया, यहाँ पे बी डी और यहाँ पे बी डी, बी डी कॉमन आ गया तो बच गया क्या, देखिए ओ ए और प्लस क्या बच गया, ओसी, ओ ए प्लस ओसी। तो अब यहाँ देखिए एक बटे दो बी डी अब गुणे क्या है, ओ ए प्लस ओसी। अब देखिए ओ ए अब प्लस ओसी, चित्र से ही पता चल रहा है ओ ए प्लस ओसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं कि नहीं, ओ ए प्लस ओसी, ध्यान दीजिएगा ओ ए प्लस ओसी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो एक बटे दो गुना क्या है बी डी, तो देखिए बी डी का मान कितना है, डी टू, बी डी, बी डी क्या है, डी टू है, दूसरा विकल्प, और एक दूसरा क्या है, ए सी गुना है, तो ए सी का मान कितना है, डी वन, तो बी डी का मान डी टू है, यानी ये दूसरा विकल्प, और ए सी का मान कितना है, इसलिए हम लिख सकते हैं डी वन गुना डी टू, डी वन गुना डी टू, चूंकि बी डी और ए सी क्या है, विकल्प है, यानी बी डी बराबर क्या है, डी टू, बी डी बराबर क्या है, डी टू, और ए सी बराबर क्या है, देखिए तो ए सी बराबर डी वन है, यानी एक भी तो बी डी हो गया एक विकल्प और एक हो गया दूसरा विकल्प, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एक बटे दो गुना डी वन गुना डी टू हो गया आपका। तो क्या आप ये समझे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकला।